देश के स्वाभिमान को चार चांद लगाने वाली ये खबर, भारत को गर्व से भर देने वाली खबर, बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रमा के और करीब पहुंच गया है चंद्रयान 3। चांद से महज 170 किलोमीटर दूर है चंद्रयान 3। ये बड़ी खबर है और चंद्रयान 3 जिस तरीके से 170 किलोमीटर बाय 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में अब लग रहा है, ये चक्कर लगा रहा है, उसके साथ साथ ये खास तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। आपको बता दें, बीती रात इसरो ने चंद्रयान 3 के ऑर्बिट घटाया है। चंद्रयान 3 ने कल चांद की ये पहली तस्वीर भेजी है और मिशन चंद्रयान 3 के तहत ये पूरी टाइमलाइन आपके सामने है, जहां 14 जुलाई 2023 से लेकर आज की ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आने वाले वक्त में नजर बस 16 दिन बाद 23 अगस्त पर है, जब भारत चांद पर तिरंगा फहराने के लिए तैयार है। और आपको बता रहे हैं हम किस तरीके से अब 3,84,000 किलोमीटर का सफर पूरा करने जा रहा है मिशन चंद्रयान 3। अहम तारीखें आपके सामने, जहां 14 जुलाई श्रीहरिकोटा से इसकी लॉन्चिंग हुई, 31 जुलाई पृथ्वी की कक्षा छोड़ चंद्रमा की ओर बढ़ा और 5 अगस्त जब आपको बताया किस तरीके से 164 किलोमीटर बाय 18,074 किलोमीटर ऑर्बिट में इसकी एंट्री हुई, यानी ये दायरा किलोमीटर के लिहाज से समझना जरूरी है, क्योंकि इसी डेट और टाइमलाइन पर आगे भी नजर रहेगी। 6 अगस्त चंद्रमा की सतह की ये पहली तस्वीर भेजी गई है और 6 अगस्त जब 170 किलोमीटर बाय 4313 किलोमीटर के ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को लेकर ये सबसे बड़ी खबर आई। हालांकि 9 अगस्त चांद से दूरी और कम हो जाएगी और फिर सभी की नजर रहेगी 23 अगस्त शाम 5:47 पर उस सॉफ्ट लैंडिंग पर जिसकी प्लानिंग की जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 600 करोड़ के बजट वाला चंद्रयान 3 चंद्रमा पर आखिर करेगा क्या? चंद्रयान 3 कौन कौन सी वो जानकारियां देगा जो भारत को विश्व शक्ति बनने में मदद करेंगी? डिटेल्स आपके सामने है, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर उतरेंगे, 14 दिन तक चांद पर प्रयोग करेंगे लैंडर और रोवर और चंद्रमा की सतह का अध्ययन होगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल 6 महीने तक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा और धरती से आने वाले रेडिएशंस का भी अध्ययन किया जाएगा। तो चांद की सतह पर भूकंप पर भी होगी रिसर्च और चंद्रमा की मिट्टी का भी पता लगाएगा। सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत चौथा देश बनेगा। तो बस 16 दिन बाद का इंतजार, जब चांद पर लहराएगा तिरंगा।